नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है आरओ की पाइपिंग का। आप लोगों के बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप एक वीडियो बना के अपलोड कीजिए जिसमें कि पाइपिंग वगैरह कैसे की जाती है, सारे पार्ट्स कैसे और फिल्टर्स वगैरह, आरओ का बूस्टर पंप ऐसे वगैरह कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो सारा जिसमें डिटेल हो। तो ये देखिए मैंने बनाया। देखिए सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसमें एक कार्बन फिल्टर लगाया है। कार्बन फिल्टर के इन वाले पॉइंट से मैंने एलपी दी और ये हमारा आउट वाला फिल्टर हो गया। ये आउट पॉइंट हो गया। आउट पॉइंट से देखिए हमने एसवी में दे दिया। एसवी का आउट हमने ये दिया हुआ है, ये आप बूस्टर पंप देख रहे हैं, बूस्टर पंप में चला जाएगा। और हम अगर टीडीएस एडजस्टर लगाना चाहते हैं आरओ में, तो ये देखिए आरओ का जो बूस्टर पंप है उसमें से जो आउट वाला पॉइंट है उसमें हम टीडीएस एडजस्टर लगाएंगे। टी की हेल्प से एक टी लगा दी, ये देखिए टी से एक पाइप मेम्ब्रेन में चला गया, ये आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन में चला गया। और एक जो है इन हो गया पंप से और एक ये हमारा टीडीएस एडजस्टर में चला जाएगा। ये देखिए ये हमारा टीडीएस एडजस्टर हो गया और टीडीएस एडजस्टर का जो आउट वाला पॉइंट है वो अब हम दे देंगे। अगर हम अपने आरओ में यूवी सिस्टम दे रहे हैं तो यूवी के इन वाले पॉइंट में दे देंगे। यूवी के इन में भी हमने एक टी लगा रखी है। देखिए एक तो टीडीएस एडजस्टर से आ जाएगा यूवी के टी वाले पॉइंट में और एक जो पाइप है ये देखिए टीडीएस एडजस्टर से अगर हम कम ज़्यादा करना चाहें तो इस नट से हम टीडीएस एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है फीचर देना टीडीएस एडजस्टर वाला। अब ये देखिए ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का एक ये प्योर पाइप वाला पॉइंट जो है इसमें कनेक्ट हो जाएगा टी। तो मतलब जो भी पानी यूवी बैरल से होके आएगा, ये देखिए टीडीएस एडजस्टर से भी अगर जो पानी हम खोलेंगे वो भी यूवी से होके आएगा और ये जो प्योर पानी मेम्ब्रेन का वो भी यूवी से ही रोटेट होता हुआ यूवी बैरल में घूमता हुआ हमारा ये देखिए ये यूवी है हमारे आउट वाले पॉइंट से जाएगा। ये देखिए पूरा घूमता हुआ ये स्टेप से ये इस पॉइंट पे आएगा। ये जो नीचे वाले नोजल आप जो देख रहे हैं यहाँ पाइप है और इस पाइप से अगर हम आरओ में एल्कलाइन का फीचर भी दे रहे हैं तो फाइनल जो है हमारा पानी प्योर पानी एल्कलाइन में जाएगा यूवी से होता हुआ। और एल्कलाइन के बाद जो है ये देखिए इसका इन आउट हमें ज़रूर ध्यान रखना है। कोई भी आप पाइप कनेक्ट कर रहे हैं इन और आउट जरूर ध्यान, और ये हमारा फाइनल जो पानी है हमारे आरओ के स्टोरेज टैंक में जाएगा। इन सब में हमें इन और आउट स्पेशली ध्यान में रखना होगा और एल्कलाइन और कार्बन लगाते समय ये ज़रूर हमें करना है कि 5 मिनट पानी पहले जो है हमें ड्रेन निकाल लेना है, देन उसके बाद ही हमें पाइपिंग वगैरह कनेक्ट करनी है। अदरवाइज कार्बन अगर निकलता है हमारे कार्बन फिल्टर में से तो हमारे एसवी वगैरह को भी ख़राब कर सकता है। ये देखिए ये हमारी एल्कलाइन हो गई, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन को भी जब लगाएं इसे भी वॉश करके उसके बाद ही इसमें पाइप वगैरह कनेक्ट करें क्योंकि हमारे एसवी की लाइफ उससे सेफ रहती। मैंने इसमें कार्बन फिल्टर दिया क्योंकि आरओ सिस्टम के बाहर प्री फिल्टर लगा रहे हैं तो हम पहले कार्बन दे सकते हैं, और अगर प्री फिल्टर नहीं यूज़ कर रहे आरओ यूनिट के बाहर तो हम सेडिमेंट फिल्टर पहले लगाएंगे और कार्बन बाद में लगाएंगे वॉश करके। तो मैंने ये जो पाइपिंग वगैरह की है प्री फिल्टर के अकॉर्डिंग किया है क्योंकि आरओ यूनिट के बाहर प्री फिल्टर लगेगा, इसलिए बाहर एक फिल्टर होके आ जाएगा पानी, देन उसके बाद ये हमारा फिर एक पॉइंट चला जाएगा प्योर, और ये हमारा हो गया एफआर, इसमें लग जाएगा जिससे कि ड्रेन पानी निकल जाएगा। आरओ का जो वेस्ट पानी इस एफआर से होता हुआ निकलेगा। तो ये अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ इस पाइपिंग के थ्रू कि पाइप वगैरह कैसे कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।